मथुरा में राया क्षेत्र के मलह के समीप आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की एक सूचना के आधार पर बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम अमित निवासी गांव अबरेनी है। उसका साथी दीपक और सुनील निवासी नगला उदय सिंह भागने में सफल हो गए। वहीं पुलिस ने सराफा लूटकांड में इस्तेमाल की गई बाइक और 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 11,000 रुपए की नगद राशि भी बरामद की गई है। बताया गया है कि पकड़े गए बदमाश अमित के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन बदमाशों ने 20 जनवरी को राय कस्बे में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा मनोज को निशाना बनाया था और गोली मारकर उसे सोना चांदी और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। घायल सराफ कारोबारी की शनिवार को मौत हो गई थी और लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था। फिलहाल एक बदमाश पुलिस के गिरफ्त में है, बाकी दो फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। क्या नाम है तेरा? अमित। जोर की बोल। अमित। कहाँ का रहने वाला है? गांव वैनी थाना बलदेव के अंदर। क्या घटना हुई तेरे साथ? घटना ये हुई, दो दिन पहले मुझे गौरव वर्मा दरोगा जी का फोन आया था कि हमें तेरी शिकायत आई है थाने। यहाँ किस मामले में शिकायत आई है तेरी? यही मैं जानने के लिए थाने गया कि उन्होंने मुझे वहीं बिठा दिया। वहाँ से मुझे अलग दूसरे थाने टाउन उसमें ले दिया गया जमुना पार में। जमुना पार के बाद को रात को यहाँ लेके आई, बोले किसी लूट में तू है। सर मुझे बताइए, अगर मैं लूट में होता तो आपके पास नहीं आता, मैं किसी चीज़ में दूसरी हूँ। तो बोले पुराने मुकदमे हैं तुझ पे और तुझे इस लूट में हाँ करनी है। मार पिटाई की मुझसे रात को। किन किन लोगों ने तुम्हारे साथ, कौन कौन से दरोगा थे जिन्होंने मारपीट करी? ये हैं वृंदावन के बंगाली घाट चौकी इंचार्ज, थाना बलदेव के एसओ प्लस गौरव वर्मा एसआई, प्लस जो शाम को ला के गोली मारी रात को सुबह 3 बजे के करीब, तब ये राया के इंस्पेक्टर भी थे जो नया चार्ज लिया। उन्होंने बता रहे थे उन्होंने आज नया चार्ज लिया है। अब इसमें तो क्या क्या चाहता है, कार्रवाई क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरी क्वालिटी निकलवा कर साफ मुझे सच जो मैं है मेरे साथ न्याय किया जाए। ये अभी जो मथुरा राया रोड है उसमें रायाकट के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी है अमित जो कि थाना बलदेव क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके लेफ्ट पाँव में गोली लगी है। जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी की शाम को जो राया क्षेत्र के अंदर एक जो सराफा व्यापारी है उसके साथ गोली मार कर लूट की गई थी, उसी के संबंध में पुलिस के अन्य टीमें लगातार कार्यरत थी और हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे जिसके बेस पे हमने जीरो इन किया था कि इसके अंदर कौन लोग शामिल थे। और करीब 7 से 10 टीमें लगातार लगी हुई थी और हमें पता चला था कि इसके अंदर अमित और दीपक और छोटू करके 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी। आज मुझे द्वारा सूचना मिली तीनों लोग राया से मथुरा की तरफ कहीं जा रहे हैं, बीच रस्ते में यहाँ पे पुलिस द्वारा उनको एंगेज किया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में मिनिमम फायर किया जिसमें उनमें से अमित के लेफ्ट पाँव में गोली लगी, बाकी जो उनके दो अन्य साथी हैं वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं, उनके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और जो घायल अमित है उसे तुरंत अस्पताल में। बरामदगी की है? हाँ, एक मोटरसाइकिल है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बरामद हुई है मौके से, साथ ही साथ मौके पर एक तमंचा है और कुछ कार्ट्रेज और जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद हुए। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।